हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सोल्डरिंग करने के दो तरीके आज हम बताने वाले हैं। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सोल्डरिंग वायर, एंड दूसरे नंबर पे चाहिए हमें सोल्डरिंग प्लग्स और एक सोल्डरिंग आयरन, जिसकी मदद से आप जो है वो सोल्डरिंग कर सकते हो। तीनों चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। वायर आप कितने भी नाम के जो है वो ले सकते हो। आप सोल्डरिंग करके करने का पहला जो तरीका है वो है, आप जो है वो डायरेक्ट सोल्डरिंग आयरन की जो नोवल रहती है उसमें आप सोल्डरिंग वायर को लगा लें और फिर जो है उसमें लगा लें। लेकिन जिससे पहले जो हम है हम सोल्डरिंग आयरन को जो फ्लक्स में हम डाल लेंगे ताकि इस पर जो कार्बन है वो ना लगे। बहुत से लोग जो है इसको सोल्डरिंग करने के बाद में लगाते हैं, लेकिन मैं दोनों करने के पहले और करने के बाद भी लगाता हूँ। तो सोल्डरिंग करने के लिए हमें जो है सोल्डरिंग आयरन पर जो है वो सोल्डरिंग वायर को लगा लेना है। कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी भी सारी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो पहला तरीका तो है कि सोल्डरिंग आयरन पे जो है हमें लगाकर सोल्डरिंग कर देनी है। तो देख लेते हैं ये भी कैसे जो है वो होता है। ठीक से जो मेरे पास स्टैंड नहीं है जिससे पकड़ा नहीं जा रहा, तो देख सकते हो आप इसको जो है हमने बढ़िया से रख के इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दिए। आप भी इसी तरीके से जो है वो कर सकते हो। ये सोल्डरिंग हो गया है, बढ़िया तरीके हो गया है। देख ही सकते हो आप जब इसकी मजबूती नहीं निकलेगा। तो चलते हैं अब दूसरे नंबर की तरफ। तो दूसरे नंबर में हम आपको बताएंगे कि अगर आप दो जो वायर है उनको आप जोड़ते हो नॉर्मली, इस प्रकार से मैं जोड़ रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं जोड़ रहा हूँ उस प्रकार से अगर आप जोड़ते हो तो ज़्यादा मजबूती नहीं रहती है। देखिए ज़्यादा मजबूती नहीं रहेगी। आप अगर इसको खींचोगे तो ये आसानी से जो है वो निकल जाएंगे, लेकिन आप अगर इनको जोड़कर, मैं जिस प्रकार से बताता हूँ आप उस प्रकार से सोल्डरिंग करते हो तो ये फिर नहीं निकलेंगे, एकदम मजबूत जो है इसमें सोल्डरिंग हो जाएगी। तो जोड़ दिया है, इसके बाद जो हमने सोल्डरिंग आयरन को थोड़ा सा कट कर लिया है, जिसके बाद जो है इस पर हम लपेट देंगे, घुमा देंगे ताकि इस पर जो हम इसको मेल्ट कर सकें। तो ये जो हमने बढ़िया तरीके से इसको जो हमने घुमा लिया है, आपको भी जो बढ़िया तरीके से वो घुमा लेना है। और जिसके बाद ये हमने बढ़िया से कर लिया है, इसके बाद हमें चाहिए माचिस। माचिस को जो हमने वो जला लिया है और इसको जो है इस पर हीट करना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो ये तो बुझ गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम दूसरी जला लेंगे, दिक्कत नहीं है। आप भी जो है बढ़िया से इसको हीट कर लेना। हो सकता है ये हीट करते टाइम जो है नीचे भी जो है गिर जाए, देख सकते हो आप मेरा गिर गया, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फिर भी बहुत ही मजबूत हो चुका है, ये देख सकते हो आप। इसको भी निकाल देते हैं, आप जो है ये नहीं निकलेगी, आप चाहे इसको देख सकते हो इसकी मजबूती। मैंने कोई वीडियो की स्पीड जो है वो नहीं बढ़ाई है, जो भी है ये आपके सामने है।